हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। वो फॉल्ट क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि स्विच तो हम ऑफ कर देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं, फिर भी एक बल्ब हल्का हल्का सा ऑन रह जाता है, यानी कि वो जग रहा होता है। ठीक है, चाहे वो LED बल्ब हो या T5 LED हो जो 4 फुट की होती है, या फिर सीलिंग वाली जो लाइट होती है उसके अंदर भी ये फॉल्ट होता है कि स्विच तो ऑफ होता है लेकिन वो हल्की हल्की सी जग रही होती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वो फॉल्ट के बारे में बात करेंगे और वो फॉल्ट कैसे ठीक होगा ये भी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो बोर्ड के अंदर कनेक्शन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ये एक 5-पिन सॉकेट है और ये स्विच है। ठीक है, ये 3 स्विच हैं। आपने बोर्ड के अंदर देखा होगा जो एक तार तीनों स्विचों में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो होती है हमेशा फेज की तार, और 5-पिन सॉकेट के एक साइड डायरेक्ट न्यूट्रल दिया जाता है। अब स्विच के एक साइड से तार ऐसे लग के फिर बल्ब को गई होती है, ये आप सबको पता है, और न्यूट्रल उसको डायरेक्ट दिया जाता है। स्विच ऑन होगा तभी बल्ब ऑन होगा, ये वाला स्विच ऑन होगा तभी ये फैन ऑन होगा। इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दिया गया है और यहाँ से फेज की तार दी गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके कनेक्शन है। जो बिल्कुल ठीक कनेक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं फॉल्ट की, और अब बात करते हैं कि जो हमारा फॉल्ट था कि स्विच ऑफ है फिर भी बल्ब हल्का हल्का ऑन है, ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, ये एक 5-पिन सॉकेट है। ठीक है, इसमें गलती क्या हुई है मिस्त्री से कि फेज तो डायरेक्ट दे दिया इसको और जो न्यूट्रल है वो इन तीनों स्विच में सीधा दे दिया से। ठीक है, होता क्या है कि जब ये स्विच ऑफ होता है, ठीक है, इसको फेज डायरेक्ट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन उल्टे किए गए हैं, फेज डायरेक्ट हो जाता है न्यूट्रल इसको। यहाँ से स्विच तो ऑफ है लेकिन फिर भी तार में से हल्का हल्का सा न्यूट्रल इसको मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये बल्ब ऑन रहता है। तो आपको करना क्या है, ये वाले कनेक्शन इस तरह से कर देने हैं, ये वाले फेज की तार कर देनी है और न्यूट्रल यहाँ पर लगा देना है आपको, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।